दस धर्मों में भय का नाश करने वाला एक ही धर्म है, उत्तम तप। जो रात में पानी नहीं छोड़ सकता था, तपस्वी बनने के बाद जब उपवास करता है तो दिन में भी पानी छोड़ देता है। और एक उपवास हो तो एक, दो हो तो दो, तीन हो तो तीन, चार हो तो चार, पांच हो तो पांच। आचार्य निश्चय सागर महाराज जी अभी 50 से ऊपर उपवास कर रहे हैं। स्तव निधि के पास एक निश्चय गिरी है ना, वो वाले निश्चय सागर महाराज जी, क्या शरीर है उनका। विज्ञान तक के लिए चुनौती है कि इतने दिनों तक बिना पानी बिना भोजन के वो कैसे रह लेते हैं। और ऐसे ही और भी कई साधु हैं, अभी तो एक नाम लिया हमने यहाँ पर, जितने भी ऐसे साधु हैं उन सबको हम यहाँ से परोक्ष प्रणाम करते हैं। तो ये जिनेंद्र प्रणीत तप है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, क्या कहते हैं वो, मान्यम ज्ञानम तपोहीनम, तप से रहित ज्ञान भी मान्य अर्थात पूज्य है, और ज्ञानहीनं तपोरहितं, ज्ञान से रहित तप भी पूज्य है। द्वयम यत्र, जिसके पास दोनों है स देवः स्यात्, वो तो आराध्य है। जिसके पास ज्ञान भी है और तप भी है वो देव है, आराध्य है। विहीनो गण पूर्ण, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है तप भी नहीं है वो गण पूर्ण है, यानी खाना पूर्ति है।